वो है नए सूबे के क़याम के मुतालबे के हवाले से, यानी कि एम क्यू एम पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा रखा गया, और उसके जवाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या नुक्ता नज़र रखा गया, मर जाएंगे, कट जाएंगे, सूबा नहीं बनने देंगे, और इस पर एम क्यू एम और पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या बयान दिए गए, आपको जरा वो सुनवा दें। हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाले जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम तय करेंगे। सिंध पर कोई हमला अगर किसी ने सोचा भी, इंशाल्लाह टांगे तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सिंध में होगा ऐसे गुजारा, हमारा बाप भी सुबह बनाएगा। जी नाज़रीन इकराम, तो ये प्रोग्राम स्टूडियो में बैठकर भी हो सकता था, लेकिन बात हो रही है कराची के मुकदमे की, कराची का मुकदमा कराची के आवाम के सामने रखने की और कराची के मसाइल पर बात करने की। वो कराची जो कि गरीब की माँ कहलाता है, जो कि 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है, जो उरूसुल बिलाद कहलाता था, उसकी हालत ज़ार क्या है और आवाम किस हद तक इससे परेशान है और हुक्मरान उनके लिए क्या कर रहे हैं और उनके दावों में किस हद तक सदाकत है और उन्होंने किस हद तक डिलीवर किया है और क्या उनकी उम्मीदें हैं, तो ये हम आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आवाम से इस हवाले से बात करें।